महाजिका श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर खसड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से दो एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए मरने के बाद नहीं, क्योंकि मरने के बाद तो दसवें के दिन गरुड़ पुराण में लिखा 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहाँ जाती है? उसको जहाँ जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पड़ता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का एक ग्रास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला खसा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका भी जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ पर द्वादशी को। अरे बोलो अच्छे से, कई कई तो अभी तक कर रही होगी हमारे दादा।